खालिस्तानियों को लगता था कि भारत अकेला है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भारत खालिस्तानियों के लिए अकेला ही काफी है। और सोचिए, जब अकेले के दम पर भारत ने खालिस्तानियों की नाक में दम कर रखा है, तो अगर उसको किसी का साथ मिल गया तब खालिस्तानियों के जीवन में तूफान आना तय है। तो अब खालिस्तानियों की खैर नहीं, क्योंकि G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए ऋषि सुनक ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान भी ऐसा जिसे सुनने के बाद खालिस्तानी बौखला जाएंगे। दरअसल दिल्ली पहुंचने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, मेरा यहाँ जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ उसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए यहाँ आना शानदार अनुभव है, खासतौर से अक्षिता के साथ आना व्यक्तिगत रूप से खास है। अब तक की अपनी भारत यात्रा के कुछ घंटों का भरपूर आनंद लिया। वही जब उनसे G20 के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर पूछा गया, तो पीएम सुनक ने कहा, मुझे लगता है कि भारत के नेतृत्व में हम G20 में कई चीजों पर चर्चा करेंगे। विश्वास है कि कई मुद्दों पर हम बहुत सही स्थिति में पहुंचेंगे। G20 की अध्यक्षता सही समय और सही देश के हाथ में है, ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। भारत से जुड़ाव को लेकर ऋषि सुनक ने कहा, मेरी पत्नी बेंगलुरु से है, हमारी शादी बेंगलुरु में हुई, हम एक साथ बहुत सारा समय बिताते थे, यहाँ बहुत सारे हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट है। ये एक ऐसा देश है जहाँ से मेरा परिवार है, मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। वैश्विक मंच पर भारत की उपलब्धियों को देखकर मुझे बहुत ही गर्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी से अपने संबंधों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान है, मेरे प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा है। हिंदू धर्म से अपने जुड़ाव को लेकर सुनक ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मेरी परवरिश भी इसी तरह से हुई है। खालिस्तान की समस्या को लेकर उन्होंने कहा, ब्रिटेन में किसी भी प्रकार के उग्रवाद या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम खालिस्तानियों से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास खुफिया जानकारी शेयर करने वाली एजेंसियां हैं, हम साथ मिलकर इस हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। खालिस्तानी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीएम सुनक ने कहा कि G20 एक बड़ी सफलता साबित होगा और उसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर तरह से साथ देंगे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर उन्होंने कहा, मैं और मोदी जी मिलकर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों सोचते हैं ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। ऋषि सुनक ने खालिस्तानियों को लेकर जो कहा उसे सुनकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।